कम टू लर्न अवी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ साइंस की बुक का चैप्टर सिक्स लाइफ प्रोसेस के जो लास्ट के चैप्टर एंड एक्सरसाइज है उसके सल्यूशन तो पहला क्वेश्चन है किडनी द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर जो किडनीज होती है ना ह्यूमन में वो क्या काम करती है देखिए इसका आंसर है किडनी जो है ना वो एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम करती है तो थर्ड करेक्ट है एक्सक्रीशन का काम करती है किडनीज नेक्स्ट है जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर तो जो प्लांट्स में एक तो जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है तो जाइलम का काम क्या होता है तो इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर तो जाइलम जो होता है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड को तो जाइलम पानी को वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है क्वेश्चन नंबर थ्री है द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है देखिए ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो ऑटोट्रॉप्स को किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो देखिए ऑटोट्रॉप्स को तो क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है सनलाइट की भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की भी होती है तो भाई सबकी जरूरत होती है तो इसका आंसर अच्छा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स के मोट ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल सनलाइट इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसके लिए क्वेश्चन नंबर फोर है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन तो जो पायरुवेट होता है तो वो कहाँ पर मतलब पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है वाटर देता है एनर्जी देता है ये होता कहाँ पर है तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो इसका आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आर बॉडी जो फैट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में किस तरीके से पचते हैं तेल वाली चीज़ें आप कह सकते हैं वो कैसे पचती हैं वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस तो फैट वाली चीज़ें बॉडी में कहाँ पर पचती हैं और ये प्रोसेस किस तरीके से होता है तो देखिए इसका आंसर है डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो फैट्स का डाइजेशन पचना कहाँ शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स का पचना स्टार्ट होता है बाइल जूस सेक्रीटेड बाय द लिवर पोर्ड इन द दस्टाइन अलॉन्ग विद्रियाटिक जूस तो देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पर क्या होता है लीवर से बाइल जूस आता है बाइल जूस कहाँ पर होता है लीवर में ये बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में बाइल जूस आता है लीवर से और फिर उसके बाद पेंक्रियाटिक जूस भी आते हैं पेनक्रिया से तो बाइल जूस लिवर से आता है और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रिया से आते हैं और फिर क्या होता है बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द बाइल जूस इमल्सिफाई द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स तो जो आ, फैट्स होता है ना वो काफी ज्यादा लार्ज लार्ज बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है तो बाइल जूस होता है तो फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं ना इनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है देआर फोर बाई इमल्सिफिकेशन लार्ज ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन इंटू फाइन ग्लोब्यूल्स तो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो इमल्सिफिकेशन से छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोवाइड लार्जर सर्फेस एरिया टू एक्ट अपन द एनजाइम तो काफी बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है एंजाइम से उसे एक्ट करने के लिए लाइपेज एज एनजाइम प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट तो जो लाइपेज होता है वो इमल्सिफाइड फैट को और ज़्यादा क्या करता है ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस अब जो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या करती हैं इंटेस्टाइनल जूस सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ वॉल्स प्रेजेंट होती है वो इंटेस्टाइनल जूस से क्रीट करती है जिसमें लाइपेज एंजाइम होता है दैट कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है कि फैट जो है ना वो इमल्सिफ़िकेशन होता है फैट्स का इमल्सिफ़िकेशन होता है बाइल जूस के द्वारा बाइल जूस आता है लिवर से अब देखिए इमल्सिफाइड फैट्स पे एक्ट करता है पेंक्रियाटिक जूस ठीक है और लाइपेज तो पेनक्रियाटिक जूस में लाइपेज होता है वो आ, म इमल्सिफाइड फ़ैट पे एक्ट करता है और फैट को ब्रेक डाउन करता है फिर इंटेस्टाइन से कुछ जूसेस निकलते हैं और इंटेस्टाइन से और ज़्यादा ब्रेक डाउन करता है इंटेस्टाइनल जूसेस फैट्स को और फिर फैटी एसिड्स और ग्लाइसेरॉल से बन जाता है तो ये पूरी की पूरा स्टेप फॉलो होता है कि जो फैट होते हैं उनका इमल्सिफिकेशन होता है बाइल जूस से फिर इमल्सिफाइड फैट पर पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है लाइपेज ब्रेक डाउन कर देता है फैट को फिर इंटेस्टाइनल जूस आते हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉ में उसको कन्वर्ट कर देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड जो सलाइवा जो थूक होता है वो किस तरीके से खाने को बचाने में मदद करता है तो इसका आंसर है सलाइवा कंटेन सेलिवरी एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू टू शुगर लाइक माल्टोज तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट स्टार्च जो होता है ना खाने में उसको शुगर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है जो सलाइवा होता है तो स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है सेलिवरी एम के साथ मिल करके वो शुगर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है सलाइवा कीप्स द माउथ कैविटी क्लीन एंड मॉइस्टरिंग द फूड दल हेल्प इन चूइंग एंड ब्रेक डाउन द बिग पीसेज ऑफ फूड इंटू स्मॉलर पीसेज तो जो थूक होता है सेलिवरी एम क्या करता है माउथ की जो कैविटी होती है उसको मतलब क्लीन करता है ताकि जो खाना उसमें लिक्विड फॉर्म में हो जाए अच्छे से चप जाए और छोटा बन जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है वट आर द नेसेसरी कंडीशंस और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड वट आर इट्स बाई प्रोडक्ट तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं तो देखिए इसका आंसर है नेसेसरी कंडीशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या होते हैं कि क्लोरोफिल होना चाहिए और फिर उसके बाद वाटर होना चाहिए प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रीन प्लांट्स या फिर उसके सेल्स में वाटर पहुँच जाए सनलाइट होनी चाहिए कार्बन डाईऑक्साइड होनी चाहिए और बाई प्रोडक्ट क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉप सो बेसिकली आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं क्लोरोफिल होना चाहिए वाटर होना चाहिए फिर उसके बाद सनलाइट होनी चाहिए है ना और कार्बन डाइऑक्साइड और इन सब के बाद जो बाय प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है ऑक्सीजन हाँ जी प्लांट के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है तभी तो हमें दे देता है वो तो ऑक्सीजन निकल जाता है सिंपल सा इसका आंसर ये बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एन रेस्पिरेशन तो सिंपल से मैं आपको बताऊँ एरोबिक रेस्पिरेशन एयर के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक आप लोग लिख लीजिए नो एयर एरोबिक का मतलब एयर और एन एरोबिक का मतलब न्यो नो एयर नोट नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन तो एरोबिक यानी कि एयर के प्रेजेंस में तो भाई ह्यूमंस बाकी सारे एनिमल्स एनरोबिक जैसे ईस्ट हो गया तो पहले हम सारा एरोबिक तो एरोबिक का देख लेते हैं एरोबिक होता है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है एरोबिक और एन एरोबिक जो होता है एनरोबिक किस में होता है ये एरोबिक है एरोबिक और ये एन एरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं होती एरोबिक अगर हमें देखें तो एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना और एक होता है एन एरोबिक जो कि एयर की प्रेजेंस में होता है और इसमें एयर नहीं होती और इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फ़ूड पूरी तरीके से अच्छे से टूट जाता है और जो एनोरोबिक होता है इसमें फूड अच्छे से नहीं टूटता पार्शल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है एनोरॉबिक में और एंड प्रोडक्ट जो होते हैं एरोबिक के वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एरोबिक होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलते हैं और जो एनोरॉबिक एयर की एब्सेंस में होता है ना जो उसमें क्या क्या निकलते हैं इथेनॉल इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें वाटर नहीं निकलता है एनारोबिक में ये किस में होता है एनारोबिक होता है ईस्ट में ईस्ट में या फिर लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है हमारी मसल्स में एनोबिक रेस्पिरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा एनोरोबिक रेस्पिरेशन जो है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है जो एरोबिक होता है ना एरोबिक में एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और एन एरोबिक में एनर्जी काफ़ी कम प्रोड्यूस होती है एनोरॉबिक में तो ये हमारे डिफ्रेंसि हो गए सम ऑर्गेनिज्म विच यूज़ एनोरोबिक रेस्पिरेशन जो अनोरबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करते हैं ईस्ट है ना ईस्ट जो है वो अनोरबिक जैसे ब्रेड बनती है ना जिससे और जैसे आप भटूरे जो खाते हैं छोले भटूरे के वो मैदा वो ईस्ट ईस्ट में एनोबिक रेस्पिरेशन होता है क्वेश्चन नंबर नाइन है हाउ आर द एल वी ओली डिज़ाइन टू मैगजीमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल वी ओली को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि उससे अच्छे से गैसेज काफ़ी ज़्यादा पास हो पाएं तो इसका आंसर है एल वी ओली आर द थिन वॉल्ट एंड रिचली सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो एल वी ओली जो होती है हमने देखा था ना ऐसे लंग्स में होती है एल वी ओली क्या करती है सर्फेस एरिया बढ़ा देती है और उस पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो है रिचली सप्लाई होती है मतलब काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स आपको मिल जाएंगी जिससे वो गैसेस का एक्सचेंज काफ़ी अच्छे से हो जाता है और अच्छे से वो प्यूरीफाई कर देता है ब्लड को एल्वी ओली है बलून लाइक स्ट्रक्चर हैंस प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो एलवी जो है ना उसमें बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें और काफ़ी ज़्यादा वो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाए एक्सचेंज हो जाए गैसेस का अच्छे से एलवी में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड वी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमोग्लोबिन बॉडीज अगर इंसान ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन के मूवमेंट में हेल्प करता है मतलब ऑक्सीजन अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए ये काम होता है हीमोग्लोबिन का अब हीमोग्लोबिन ही ब्लड में कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ना बॉडी की वो डिक्रीज हो जाएगी मतलब ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाने की जो क्षमता है ना ब्लड की वो कम हो जाएगी एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी

अब आगे के तीन चार क्वेश्चंस बचे हैं वो हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे थैंक यू